एग्जाम्पल वन. ओके, आपकी बुक का एग्जाम्पल वन है, पेज नंबर 198. अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. ओके, अब मैं बच्चा इसमें पता है क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में आपका डायग्राम बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए. डायग्राम बनाने की कोशिश करो, उसकी प्रैक्टिस करो, और जैसे बोला गया ना वैसे ड्रॉ करो. क्योंकि हाँ, क्योंकि डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे मैटर करता है डायग्राम बहुत ज़्यादा. ठीक है, अगर डायग्राम ही गलत हो गया तो फिर आप सोल्यूशन भी गलत करेंगे. ठीक है, चलो. तो सबसे पहले एक वर्टिकल टावर है, अ वर्टिकल टावर ऑन अ ग्राउंड, यानी कि हमें ग्राउंड शो करना पड़ेगा. ये ग्राउंड हो गया और ये हो गया एक वर्टिकल टावर, मैंने टावर बना दी. ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर. बच्चों ये टावर है, ये टावर का टॉप होता है तो ये टावर का फुट होता है ना, फुट. अब ये फुट है, ये टॉप है. अच्छा, अब ये ग्राउंड है, ग्राउंड में कोई एक पॉइंट है, मैंने डॉट लगा दिया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक ग्राउंड में एक पॉइंट है और वो टावर का जो फुट है उससे 15 मीटर अवे, यानी कि 15 मीटर डिस्टेंस पर है. मीनिंग समझे? ओके, अच्छा. तो यहाँ से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड 60 डिग्री. ग्राउंड के इस पॉइंट से टावर के इस टॉप को देखा गया तो ये पाया गया कि जो यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री था. तो सबसे पहले मैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाऊंगी. एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? बॉटम से टॉप की तरफ देखना. ओके, बॉटम से टॉप की तरफ देखना. और जो एंगल ऑफ एलिवेशन में जो एंगल बनता है वो यहाँ बनता है, वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का. क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. अब ये जो टावर है हमें इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है. तो आप सब बच्चों को यहाँ क्लियर हो गया? अंशिका क्लियर हुआ? ओके, चलिए. अर्पिता समझ में आ गए बच्चे? ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम इस ट्रायंगल को मैं नाम लिख देते हैं. ट्रायंगल ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये जो वर्टिकल टावर है जब ये ग्राउंड में स्टैंड कर रहा है तो यानी कि वो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो बच्चों अब हम इस पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करेंगे, लेकिन अप्लाई करने से पहले हम सारी इन्फॉर्मेशन लिख देंगे कि हमें क्या क्या गिवन है. हम एकदम से स्टार्ट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन लिखेंगे. हम यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ टावर बी एच मीटर. क्यों एच? हमने उसकी हाइट मानी है क्योंकि हमें हाइट फाइंड आउट करनी है. क्लियर? एंड डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अ ग्राउंड टू अ फुट ऑफ अ टावर. कितना गिवन है? 15 मीटर. ओके, तो हमें ये क्या दे रखा है? डिस्टेंस दे रखा है. अब एक चीज देखो कि हमें यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है. एक चीज देखो, ये क्या है? परपेंडिकुलर. और ये क्या है? बेस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के का होता है? टैन का. क्लियर? पहले आप देखेंगे कि आपको ये फाइंड आउट करना है एच, और एच क्या है? हाइट. और अगर देखा जाए तो ये परपेंडिकुलर हो गया. और दूसरा देखो कि आपको गिवन क्या है. गिवन आपको बेस है, तो ये
पी हो गया और ये बी हो गया, तो पी अपॉन बी किसके इक्वल होता है, टेन के। और यहाँ पे एंगल कौन सा यूज हो रहा है, थीटा 60 डिग्री, तो मैं यहाँ 60 लिख दूंगी। समझ में आया? इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हमें पता चल गया है। और अब हमें पी अपॉन पी, अब अगर आप ध्यान दो पी क्या है यहाँ पे, हाइट जिसको हमने एच से डिनोट किया, अपॉन बेस कितना है 15, ओके, जो कि फुट ऑफ द टावर और इस ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से 15 मीटर के डिस्टेंस पे, तो ये बेस हो गया, क्लियर। अच्छा अब आप यहाँ पे लिख दो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 15। tan 60 डिग्री कितना होता है, हाँ tan 60 डिग्री की वैल्यू, वेरी गुड शालू, रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 15। अब इस रूट 3 के डिनोमिनेटर में 1 मान लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h वन जा h इक्वल टू 15 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 रूट 3 मीटर, नहीं बेटा मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो 3 नहीं है, वो रूट 3 है, ठीक है। और हमारा आंसर आ गया, हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करनी थी और हमने फाइंड आउट कर ली, क्लियर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें।